दोस्तों आज मेरे किचन में बन रही है आलू की एक ज़बरदस्त मिठाई। देखकर आप कह नहीं सकते कि ये आलू की मिठाई है, और इसमें मैंने कोई मावा या फिर पनीर या कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं किया है, घर की ही चीज़ों से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये आलू, बॉयल्ड आलू लिए हैं और मीडियम साइज़ के लेंगे। इनका हमने एक पेस्ट बनाना है और उसके लिए हम इनको मिक्सर में डालकर, थोड़ा सा मैंने दूध लिया है एक कप के करीब, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। अगर आपका पेस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा दूध आप इसमें और ऐड कर सकते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने ले लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स। आप जो चाहें, जो आपको अच्छे लगे वो ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका भी हमने एक दरदरा सा पाउडर बनाना है, दरदरा ही रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स के जो छोटे छोटे पीस आते हैं ना बर्फ़ी में मुंह में, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, वो उसको और मज़ेदार बना देते हैं। अब हम ले लेते हैं वो बर्तन जिसमें हमने अपनी बर्फ़ी को सेट करना है, उसको ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के बाद अब हम ले लेते हैं कढ़ाई, और उसमें ले लिया है मैंने घी, शुद्ध देसी घी ले लेंगे। और इसके बाद जो हमने पाउडर बनाया था वो पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे, जो इसका कलर है गोल्डन हो जाना चाहिए हल्का सा। दोस्तों ये मिठाई बनकर इतनी टेस्टी लगती है, और इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ें भी नहीं लगी हैं, घर के ही सामान से आसानी से बन जाती है। तो मैंने ले लिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट, एक कप लिया है, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, लाइट गोल्डन कलर हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, बस अब इतना ही रोस्ट करना है। इसको निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं ले लेती हूँ दूध। मैंने ये 1.5 कप दूध लिया है, टोटल बर्फ़ी को बनाने में हमारा 2.5 कप दूध लगा है। 1 कप मैंने पहले लिया था जब मैंने आलू को पीसा था, और 1.5 कप मैंने अब लिया है। तो दूध को हमने गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा हो जाए कि जैसे खोया बन जाता है दूध का, अच्छा सा इसको 10-15 मिनट तक बढ़िया पकाएंगे हम, ताकि ये बढ़िया सा गाढ़ा हो जाए। जितना ज़्यादा दूध पकेगा उतनी जल्दी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब थोड़ा गाढ़ा हो गया है दूध, अब हम इसमें डाल देते हैं अपना आलू का पेस्ट। ये मिठाई जब मैंने बनाई ना, खाने के बाद इतनी टेस्टी लगी, इसमें आलू का तो कहीं पता भी नहीं चला कि आलू की बनी हुई है। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई लगती है, कोई बता भी नहीं पाता। तो इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको पकाते जाएंगे, और इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ, क्योंकि इसके जो वो छींटे आते हैं ना बाहर, वो लग जाते हैं, सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा ढक के पका लेंगे हम इसको। ये देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है, देखिए और गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खोया हो, खोए की मिठाई बनती है ना, लग ही नहीं रहा है कि हम आलू से कुछ बना रहे हैं। और देखिए ना मावा ना मिल्क पाउडर, कुछ भी यूज़ नहीं किया हमने, और घर की ही चीज़ से आसानी, सामान भी कम लगा है, और मिठाई भी बहुत अच्छी बनकर हमारी तैयार होगी। तो अब हम इसमें मिला देते हैं अपना ये रोस्टेड पाउडर जो हमने बनाया था, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स इसमें, और अभी और पकाना है हमने इसको, अच्छा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। और अब इसमें डाल देते हैं हम गुड़। मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था, ताकि मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसको डाल दिया है, और इसको अब फिर से पकाते हैं, मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा, और हमें फिर से इसे इसी कंसिस्टेंसी में लाना है पकाते हुए। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, और फिर से इसको पकाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो 7-8 मिनट में ही ये गाढ़ा हो जाएगा बढ़िया सा। ये देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी इलायची खुशबू के लिए, और ये देखिए कंबाइंड भी होने लगा है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये बिल्कुल। इतना पकने के बाद तो इतना टेस्टी लगेगा ना, ये जितना ज़्यादा पका हुआ होगा ना उतनी टेस्टी मिठाई हमारी बनती है। ये देखिए इकट्ठा होने लगा है, जमने की जो है स्टेज पे ये आ गया है, इस तरीके से देख लेते हैं हम। ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे स्पून पे कर रही हूँ, तो ये देखिए इसकी एक ये जो गोला सा है वो बन रहा है, तो ये जम जाएगा। तो अब हम इसको जमाने के लिए रखते हैं। बर्तन ले लेते हैं अपना जो हमने ग्रीस किया था, उसमें हम इसको डाल देते हैं, और इसको फैला देंगे, इक्वल फैला देंगे चारों साइड से। और इसको सजाने के लिए इस पर मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल डाले हैं,
और थोड़े से कटे हुए बादाम डाले हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप कीजिए। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। और अब इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखना है, ऐसे ही सेट होगा ये। इसको जमने में लगे हैं 20-25 मिनट लगे हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारी तैयार है आलू की बढ़िया सी बर्फी, बहुत ही टेस्टी। व्रत के शिवरात्रि के व्रत में ही क्या, आप किसी भी व्रत में इसको खा सकते हैं, नवरात्रों में या जो भी व्रत रखें आप बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज से पहले क्या आपने आलू की ये बर्फी बनाकर ट्राई की है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।